जानते थे हमारी ऑल टाइम फेवरेट फिल्में शंकर की देन है क्या अपने ही द्वारा सेट किए गए मार को रोबोट 3.0 से पार करा पाएंगे शंकर? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोबोट 3.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ऑडियंस रोबोट 2.0 से भी पहले से रोबोट 3.0 का इंतजार कर रही है। जी हाँ, जब रोबोट 2.0 का प्रमोशन चल रहा था तो उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर डायरेक्टर शंकर ने इस बारे में जानकारी दी कि उनके मन में ऑलरेडी रोबोट 3.0 के लिए काफी आइडियाज हैं, बस उनको आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करने की देरी है। अब आने वाले दिनों में रोबोट 3.0 भी जल्द ही बनने वाली है, तो जायज सी बात है दर्शक इसके लिए एक्साइटेड तो होंगे ही। दोस्तों, हर डायरेक्टर की एक ख्वाहिश जरूर होती है कि उनके बनाए गए पिक्चर से ऑडियंस उनको याद करे। अब अगर हम देवदास की चर्चा करें या फिर हम दिल दे चुके सनम, तो हमारे मन में एक नाम आता है, वो है संजय लीला भंसाली, क्योंकि इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था उन्होंने ही। वेल, अगर हम बाहुबली के बारे में सोचते हैं तो हम राजमौली को याद करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मन में जब भी रोबोट का ख्याल आता है तो हम डायरेक्टर शंकर को याद करते हैं। आपको बता दूं, शंकर साउथ के तो एक फेमस डायरेक्टर हैं ही, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में अपना हाथ बढ़ाया है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं फिल्मों के बारे में कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं अनिल कपूर की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्मों में से एक, नायक से। जी हाँ, इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक दिन के चीफ मिनिस्टर का किरदार निभाया था। आप सभी ने ये फिल्म तो देखी होगी। दोस्तों, इस फिल्म में परेश रावल, रानी मुखर्जी और साथ ही हमारे कुछ तो गड़बड़ है दया वाले एसीपी प्रद्युमन भी दिखाई दिए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नायक को डायरेक्ट किया था शंकर ने। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शंकर ने ना सिर्फ साउथ की फिल्मों को बल्कि कई बॉलीवुड की फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। नायक पिक्चर तो कितनी पॉपुलर हुई थी ये हम सभी को पता है। वक्त बदल गया लेकिन लोग आज भी नायक फिल्म को देखना पसंद करते हैं। आज की हमारी लिस्ट में सेकंड फिल्म वो है जिसने रजनीकांत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है, चाहे वो इसके एक्शन सीन्स हो या फिर थ्रिलिंग ड्रामा या फिर इसकी डायलॉग डिलीवरी या फिर रोमांस का प्रेजेंटेशन, सब कुछ एकदम लाजवाब था। हम बात कर रहे हैं शिवाजी द बॉस की। वैसे तो ये फिल्म टॉलीवुड की है लेकिन बॉलीवुड में भी दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। दोस्तों, आपको शिवाजी का वो कॉइन स्टंट तो याद ही होगा। मैं आपको बता दूं, शिवाजी द बॉस को भी शंकर ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इन तमाम फिल्मों से आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि शंकर ना सिर्फ टॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी इतने पॉपुलर क्यों हैं। शंकर केवल वो नहीं है जिन्होंने रोबोट बनाई, बल्कि कई दूसरी फिल्मों को भी बनाया है जो दर्शकों को आई थी काफी पसंद, जिसमें से ये तमाम फिल्म भी शामिल है। दोस्तों, आने वाले दिनों में डायरेक्टर शंकर की रोबोट 3.0 भी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए निश्चित तौर पर उनके तमाम फैंस तो बहुत एक्साइटेड हैं ही, साथ ही वो खुद इस फिल्म के लिए बहुत नर्वस हैं, क्योंकि उनको अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड और बेंचमार्क एक नया सेट करना होगा रोबोट 3.0 के जरिए। शंकर ने 2.0 के दौरान इस बारे में जानकारी दे दी थी कि उनके मन में काफी आइडियाज है रोबोट 3.0 को लेकर, बस उसे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। जैसे ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रोबोट 3.0 पर भी काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी तो बहुत एक्साइटेड हैं रोबोट 3.0 को लेकर, और हम यही उम्मीद करते हैं कि शंकर की बाकी फिल्मों की जैसे ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करे। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।